तो आज हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर तो सिविल इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंस नोट्स के बारे में। काफ़ी अक्सर इंटरव्यू के अंदर भी पूछा जाता है कि जो नोट्स जैसे कि व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ आरसीसी, ठीक है, या फिर पीसीसी, जो कुछ हम इस वीडियो के अंदर बताएंगे तो वो जो टॉपिक्स इसके अंदर हैं वो आपसे इंटरव्यू के अंदर पूछे जा सकते हैं, या फिर कोई साइट पे या फिर ऑब्जर्वेटरी ट्रैक के अंदर भी पूछे जा सकते हैं। एंड वो नॉलेज आपको भी होनी चाहिए कि जो साइट पे होते हैं, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वीडियो को लास्ट तक देते रहना। सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट हमें पूछा जाता है कि वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट, वॉल्यूम होती है जो हमारे बैग वन बैग सीमेंट की, जिसका जो वेट होता है इंडियन बैग का 50 kg। कोई सा सीमेंट उठा सकते हो, पीसीसी, ओपीसी, या फिर अंबुजा सीमेंट, या फिर ठीक है तो एसी सीमेंट, कोई से भी आप सीमेंट ले सकते हो। तो उसका जो वेट होता है 50 kg, तो उसकी वॉल्यूम होती है 1.226 क्यूबिक फीट। ये 1.226 क्यूबिक फीट होता है, ठीक है। या फिर मीटर की बात करते हैं तो 0.0347 m³ होता है। जैसे कि आपने एक मेजरिंग बॉक्स देखा होगा, साइड के अंदर एक मेजरिंग बॉक्स होता है, ये किस बेस पर होता है, एक सीमेंट बैग होता है, जो इसकी वॉल्यूम होती है वन बैग का, इसमें सीमेंट हम डालेंगे तो वो वॉल्यूम वन बैग की आएगी। इसी बेस पे हम जो सैंड यूज करते हैं और कोर्स सैंड यूज करते हैं, अगर हम मसाला बना रहे हैं चुनाई के लिए, ब्रिक मेजरिंग के लिए, या फिर कंक्रीट के लिए, तो जो मेजरिंग बॉक्स है, इस मेजरिंग बॉक्स के अकॉर्डिंग ही हमें रेशियो लिया जाता है। जैसे कि मोर्टार के लिए रेशियो लेते हैं 1:6, और कंक्रीट के लिए जैसे कि 1:2:4 ले लिया हमने। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, वन तो ये आपको मेजरिंग बॉक्स ऑलरेडी है, जिसका हम सीमेंट का मेजर नहीं करते हैं साइट पर, ओनली बैग्स हम उस पर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और हम बॉक्स की बात करते हैं तो ये बॉक्स हम करेंगे आज सिक्स बॉक्स हम ये हम साइड पे यूज करेंगे, तभी आपका मोटर का जो रेशियो है मिक्स हो पाता है। दूसरा हमारे पास 1:2:4 होता है, तो इसमें ये जो दो बॉक्स है इसको फिल करेंगे सैंड से, कोर सैंड से बदरपुर होता है उससे फिल करेंगे, और 4 रेशियो है हमारे पास इसको गिट्टी से फिल करेंगे, तो वो रेशियो हमारे पास हो जाता है कंक्रीट के अंदर। तो इसी बेस पे हमारे हमेशा साइड पे सीमेंट को मेज़र नहीं किया जाता है, उसके वॉल्यूम नहीं निकाली जाती है साइड पे, तो इसलिए उसका हमारे पास उसका वेट निकाला जाता है, और इसी बेस पे हमें ये निकाला जाता है। साइड पे तो हम वॉल्यूम से निकाल देते हैं, लेकिन जो आरसीसी प्लांट होते हैं तो वहाँ पे ऑलवेज केजी के अंदर ही रेशियो लिया जाता है मिक्सिंग के लिए, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं हम, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। तो इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट की क्या होती है, हमारे होता है 30 मिनट। आपसे इंटरव्यू के अंदर भी पूछा जाता है, कोई भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है, तो मुझसे पूछा गया, आपसे पूछ सकता है कोई भी। फाइनल सेटिंग टाइम जो सीमेंट की होती है वो क्या होती है, 600 मिनट। तो इनिशियल का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप सीमेंट मोर्टार होता है, कॉन्क्रीट होती है, उसके अंदर जब आप पानी का जैसे ही उसमें कॉन्टैक्ट आता है, पानी का जैसे ही उसमें सीमेंट के अंदर या कंक्रीट के अंदर या फिर मोर्टार के अंदर जैसे ही पानी का कॉन्टैक्ट आता है, पानी के अंदर मिलने के साथ उसकी हाइड्रेशन स्टार्ट हो जाती है, और वो 30 मिनट उनका पहला स्टार्ट हो जाता है, जमना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए साइड पर कहा जाता है कि जो आपका मोर्टार होता है, आपका चुनाई के लिए मोर्टार, जब भी आप मसाला जिसको बोलते हैं आप, वो 30 मिनट से पहले उसको यूज कर ले तो अच्छा रहता है, ठीक है, मैक्सिमम ज़्यादा 1 घंटा, ठीक है, तो क्योंकि उसके बाद वो सेट होना स्टार्ट हो जाता है, उसका कोई वैल्यू नहीं रहती, कोई स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं रहती है। और फाइनल सेटिंग 600 मिनट 10 घंटे में, जैसे कि आपने देखा होगा जो फॉर्मवर्क होता है, जो फॉर्मवर्क जैसे कॉलम होता है, कॉलम फॉर्मवर्क, उसको आप 10 घंटे 12 घंटे के बाद उसको खोल सकते हो, ठीक है, डिपेंड करता है वेदर कंडीशन पे, जो कि गर्मी का टाइम है या फिर सर्दी का, क्योंकि अगर मॉइस्चर उसमें रहता है तो वो सेट नहीं हो पाता है, गर्मी का टाइम है तो मॉइस्चर जल्दी इंक्रीज कर लेता है और जल्दी से वो सेट हो जाता है, ठीक है। थर्ड हमारा पार्ट देख लेते हैं, यूनिट वेट ऑफ मटेरियल। यूनिट वेट मटेरियल का कौन कौन सा होता है, आरसीसी का आपसे पूछ सकता है, आरसीसी कौन सा होता है, जिसमें हम सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट और प्लस स्टील यूज होता है, तो वो आपका आरसीसी होता है। तो इसका जो वेट होता है 2500 kN, ठीक है, 2500 kN/m³, ठीक है, तो इसका 2500 kN होता है पर मीटर क्यूब के अंदर, जैसे कि 2500 kg/m³। जैसे कि आपने अगर आपसे कोई पूछा जाता है कि एक स्लैब है जिसकी वो आरसीसी में सही है, कंक्रीट सब कुछ प्रोवाइड होता है, आपको पता है, ठीक है, तो उसका अगर आप वेट निकालेंगे, जैसे कि आपके पास है 10 फीट लंबाई है, 5 इंची चौड़ाई है, और 10 फीट इसकी लंबाई हो गई, तो स्क्वायर फीट कितना होगा, 100 स्क्वायर फीट हो गया, गुना 5 इंची से गुना करेंगे, ठीक है, तो गुना करेंगे तो आपका क्यूबिक मीटर के अंदर, क्यूबिक फीट के अंदर वॉल्यूम निकल कर आ जाता है, तो उसको गुना कर ले थोड़ा मीटर के अंदर, क्यूबिक मीटर के अंदर, ठीक है, तो वो आपको निकल जाता है क्यूबिक मीटर के अंदर, तो यहाँ पे आ जाता है क्यूबिक मीटर, तो उसको गुना कर देंगे 2500 से, तो आपका निकल कर आ जाता है वेट डेंसिटी, ठीक है, आपके सिलेब का, आप कॉलम का निकाल सकते हैं, किसी चीज़ का भी आप इस तरह से निकाल सकते हो।
फोर्थ पॉइंट हम देख लेते हैं, जैसे कि आपने पीसी बताया, मैंने पीसी की वजह से कि कंक्रीट क्यूब होता है, कंक्रीट क्यूब होता है जिसका 6 इंची बाय 6 इंची बाय 6 इंची होता है, तो इसका वेट आप आसानी से निकाल सकते हैं। सिंपल आपको क्या करना है, इसका वॉल्यूम निकालना है मीटर क्यूब के अंदर, कि पता आपको 1 मीटर क्यूब के अंदर होता है आपका 2400 kg, तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हो आसानी से, तो उसका वेट निकाल सकते हो। इसी तरह कंक्रीट जो पीसी से यूज होती है उसका आप आसानी से वेट निकाल सकते हो। उसके बाद देख लेते हैं स्टील। स्टील का जो वेट होता है, डेंसिटी होती है 1850 kg/m³ होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी आपका स्टील होता है, जैसे कि स्टील रोड ले लीजिए या फिर स्टील कोई कोई एंगल ले लीजिए, उस सबको बस सिंपल क्या करना है, इसका एक वॉल्यूम निकालना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। इसका स्टील बार का क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, क्योंकि इनिशियल से फाइनल तक इसका लेंथ एक ही होती है। और जबकि कॉनिकल में, जैसे कॉनिकल होता है सॉलिड होता है थोड़ा जगह, ठीक है, तो इसका जो डिफरेंस होता है, इसकी वॉल्यूम अलग होती है, इसका फार्मूला अलग होता है, तो इसका आप वॉल्यूम निकाल लेंगे तो गुना कर देंगे 1850 से, तो सिंपल आपका वेट निकल कर आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह मेन पर्पज होता है कि डेंसिटी जरूरी होती है वॉल्यूम निकालने के लिए। फोर्थ चीज़ हमारा वेट कैलकुलेशन फार्मूला होता है स्टील बार। अगर आपके पास कोई भी स्टील होता है, सरिया होता है, जैसे कि 6 mm से लेकर 6 mm स्टील से लेकर आपके जैसे कि 40 mm तक यूज करते हैं साठ ऑलमोस्ट, तो इसका वेट आप कैसे निकालेंगे। यहाँ पे लिख रखा उसने kg/m लंबाई, फार्मूला हमारा kg/m में। अगर आपके पास लंबाई है कोई भी, जैसे कि 1.30 meters, कोई भी आपकी लंबाई आ गई सरिया की 1.30 meters, क्या करेंगे आप, d² / 162 से गुना करेंगे। डी में क्या है आपका डाया है, डाया क्या क्या लेंगे, जैसे कि आपका 12 mm का डाया है, 12 × 12 / 162, ठीक है, और गुना कर देंगे आपकी लेंथ, जो भी लेंथ होती है, जैसे कि 1.3, तो आपका सिंपल क्या आ जाता है ओनली kg के अंदर, ठीक है, या जाएगा kg के अंदर, क्योंकि हमने यहाँ पे लेंथ इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं kg। अगर आपके पास कोई भी लंबाई फिट के अंदर है, तो उसमें क्या करेंगे आप, सिंपल 12 × 12, जैसे कि आपके कोई डाया है 12 mm 12 का, उसको भाग करेंगे 533 से, इंटू गुना कर देंगे kg वो लेंथ में, जैसे कि आपकी कोई kg है फिट में, जैसे कि आपका सपोज कीजिए 5 फीट की कोई लेंथ है, तो सिंपल आपका वजन आ जाएगा सरिएगा kg के अंदर, ठीक है, तो इसे निकाल देते हैं। पांचों पॉइंट देख लेते हैं स्लोप, स्लोप ऑफ स्टेयरकेस। स्लोप हमारे पास होता है मिनिमम, जैसे कि आपने ये देखा होगा, ये आपका स्लोप लेते हैं, ये स्टेप बनाते हैं आप, ठीक है, स्टेप बनाते हैं, तो इसमें जो एंगल लेते हैं मिनिमम हॉरिजॉन्टल से, ये एंगल लेंगे मिनिमम 25 डिग्री से आपका 40 डिग्री तक इसका एंगल मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लेते हैं, ठीक है, उसके बाद लेते हैं नेम ऑफ कंक्रीट क्यूब टेस्ट ऑफ मशीन। आपसे कोई भी पूछ सकता है, जो कंक्रीट क्यूब हम टेस्ट करते हैं उसको हम कौन सी मशीन, किस नाम से मशीन से पाला जाता है, तो उसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन जो यूज होती है किस में, कंप्रेसिव टेस्ट ऑफ कंक्रीट क्यूब। इसमें क्या होता है, कंक्रीट क्यूब जो आपके कंक्रीट क्यूब होती है 6 इंच बाय 6 इंच, इसी से हमें फाइंड आउट होता है जो M20 है, M10 है, M15 है, इसी से हमें पता चलता है कि ये कौन सी कंक्रीट है, कौन सी क्या है इसकी स्ट्रेंथ। तो M20 का मतलब क्या होता है कि M4 मिक्स होता है स्ट्रेंथ, और 20 का मतलब है न्यूटन पर एम स्क्वायर आफ्टर 28 डेज। 28 डेज में हम इसकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे, कोई भी जो आप स्लैब में यूज कर रहे हो, कॉलम में यूज कर रहे हो, बीम में यूज कर रहे हो, कोई भी कंक्रीट है, तो M20 M10 इसका मतलब है हमारा ये डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट है, जिसका स्ट्रेंथ हमारी ये आनी चाहिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन हमें कंक्रीट क्यूब में यूज करते हैं। दूसरा है टेंसाइल टेस्ट, तो हमारा टेंसाइल टेस्ट करते हैं इसका स्टील बार में, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं हमारा 7th पॉइंट, तो मिनिमम क्यूरिंग पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क एज कॉलम। तो मिनिमम जो हम क्यूरिंग करते हैं, क्यूरिंग मतलब होता है आपका तराई करते हैं पानी की, जो अच्छे से कंक्रीट है वाले जो वॉल्स होते हैं, तो नॉर्मल वेदर कंडीशन, जैसे कि आपका विंड, जैसे कि आपका समर सीजन है, जैसे गर्मी का टाइम है, तो उसमें बहुत जल्दी से उसमें हार्डन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें वेटनेस जो नमी होती है वो जल्दी सोख लेता है गर्मी, ठीक है, तो इस वजह से उसकी क्या रहनी चाहिए, मिनिमम 7 डेज तक। दूसरा हमारे पास हॉट वेदर कंडीशन, जैसे कि आपका हॉट वेदर, जैसे कि आपका सर्दी का टाइम है, ठीक है, तो सर्दी का टाइम है हमारे क्यूरिंग का टाइम होना चाहिए मिनिमम, सॉरी ये ठीक है, तो मिनिमम क्या होना चाहिए, ये हॉट वेदर कंडीशन जो जैसे कि गर्मी का टाइम है, तो गर्मी का टाइम में मिनिमम क्या होना चाहिए 7 डेज। और नॉर्मल कंडीशन जैसे कि आपका विंटर सीजन है, ठीक है, विंटर सीजन के अंदर क्या होता है, नमी बनी रहती है कंक्रीट के अंदर, क्योंकि उसमें धूप है वो नहीं आती है और नमी बनी रहती है, तो नमी बनी रहने की वजह से कम 7 दिन तक उसमें यूज कर सकते हैं या फिर 5 दिन तक, सभी डिपेंड करता है आपकी वेटनेस पर, ठीक है।